हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आज मैं इतने दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और होप सो आज मैं शूट कर रही हूँ तो मे बी मैं रात तक डाल ही दूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एडिट करने का है नहीं। सो कैप्शन के उससे आपको पता ही लग गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले ऑनेस्ट रिव्यू ऑन रियो हर्ब्स प्रोडक्ट्स। सो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने इसकी पूरी रेंज ऑर्डर करी हुई है। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश, दैट्स अ रियो हर्ब्स फेस वॉश। और इसमें डबल क्लिंजिंग के लिए हमें पूरी रेंज में क्लिंजिंग क्रीम भी दी गई है। फर्स्ट वी विल यूज दिस फेस वॉश एंड देन वी विल क्लिंज आर फेस, दैट विल डबल क्लिंज आर फेस। ओके, सो द मे बी यू कैन यूज एनी वंस क्लिंजर और फेस वॉश एंड इफ यू हैव बोथ तो आप दोनों यूज कर सकते हो, इससे आपकी स्किन डबल क्लिंज हो जाएगी। सबसे बढ़िया रियो हर्ब्स का इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये हमारी सारी ऑल डर्ट पॉल्यूशन पार्टिकल्स अदर इम्प्योरिटीज सब कुछ वो करता है। नेचुरल बेस एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें और मतलब मैंने काफ़ी अच्छी इसकी वो सुनी है तो अभी हम यूज़ करके देखते हैं। नो सल्फेट है, पैराबेन फ्री है। सो लेट्स यूज इट। फर्स्ट वी विल फेस डू द फेस वॉश। फर्स्टली हमने ये अप्लाई कर लिया है, मैंने थोड़ा सा मैं और अप्लाई करके फेस वॉश ले लिया हमने। सो मैंने फेस वॉश कर लिया, देख रहे हो आप कितना अच्छा, मतलब एक क्लिंस लग रहा है मुझे अपना फेस, बिल्कुल साफ साफ सा, यू कैन सी इट। अब हम करेंगे डबल क्लिंजिंग, दैट इज क्लिंजिंग क्रीम। सो मैं आपको बता रही थी क्लिंजिंग क्रीम, ये देख लो आप। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो फेस वॉश तो हमने कर ही लिया, फेस वॉश से आगे भी हम काम कर सकते हैं कि अब अपना हम स्किन केयर रूटीन शुरू कर दें, दैट इज टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड एवरीथिंग। बट अगर हम क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करेंगे तो एक तो हमारा फेस डबल क्लिंज हो जाएगा और अगर आपके फेस पे मेकअप है और आपको मेकअप रिमूव करना है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि क्लिंजिंग मिल्क से ना आप अपना सारा मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मैंने क्लिंजिंग मिल्क ले लिया है, मैं ऐसी अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो इससे क्या है, तो अपने फेस को ऐसे ऐसे क्लिंज करना, तो अगर हमने मेकअप भी लगा रखा होगा ना और हम ऐसे ऐसे करेंगे क्लिंज तो वो मेकअप भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। एक तो हमारा फेस इससे डबल क्लिंज हो रहा है, सारी डस्ट इम्प्योरिटीज वगैरह सब क्लिंज हो जाएगी और फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। रियो हर्ब्स की खास तारीफ ये है कि ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से हुआ है। तो अब हम इसे वॉश करके आते हैं, लेट्स गो। सो मेरा फेस डबल क्लिंज हो गया है, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितना चेंज आ रहा है मेरे फेस में। फेस वॉश करो उसके बाद क्लिंजिंग मिल करो तो एकदम फेस साफ हो गया। आई एम लाइक बहुत अच्छा सा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली आई विल यूज़ इट श्योर। अब मैं इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर लाऊँ। सो द थर्ड स्टेप इज, और वी कैन से सेकेंड स्टेप इज टोनिक, ये भी रियो हर्ब्स टोनिक है। सो सबसे बेस्ट रियो हर्ब्स का मुझे क्या लगा कि एक तो ये ऑल स्क्रीन टाइप है और दूसरा ये ना जैसे एक्ने प्रॉन स्किन लाइक मेरी हो रहा है, मेरे यहाँ पे कितने एक्नेज हो रहे हैं। अब मैं इसको यूज़ करूँगी डेली और फिर मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा है ये यूज़ करके। अभी तक मैंने फेस वॉश और ये क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करा है तो मुझे अच्छा लगा, तो आई विल यूज़ इट डेली। और लेट्स सी, अब टोनिक यूज़ करते हैं हम। सो हमने टोनिक यूज़ कर लिया है, वाओ इट्स फील सो रिफ्रेशिंग, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू हो रही है और मुझे इतना मतलब एक रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है इसका टोनिक में यूज़ करके। वेरी नाइस नाइस प्रोडक्ट रियो हर्ब्स, और आई विल गिव टोनिक टू 10 out of 10। बहुत ही एक ना पावर चार्ज हो जाती है ना बॉडी की, मतलब टोनिक मिस लगा के बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब हम 5 minutes तक या 3 to 5 minutes तक वेट करते हैं ये सूख जाए, उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ये अब ये सूख गया है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डैप डैप कर देंगे, हल्का हल्का गीला है ना इसलिए। अब हम ये सूख गया है तो अब हमारा थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप है,
हाइड्रेटिंग का ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम रियो हर्ब्स. लेट्स अप्लाई इट. सो ये क्रीम ले लिए है, अब इसको अप्लाई कर देंगे पूरे फेस पे. सो हम क्रीम अप्लाई कर लेंगे. सो आफ्टर मॉइस्चराइजर आपको देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लोई ग्लोई सी हो गई, मुझे खुद ही फील हो रहा है. अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ करा है आपके साथ ही, तो मुझे इतना ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है. मुझे स्किन में भी बहुत फ़र्क लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, हाइड्रेटिंग लग रहा है. अब जैसे कि इतनी गर्मी है तो आपको अपनी स्किन का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. सो आई विल गिव दिस किट 9 out of 10 एंड द टोनिंग मिस्ट आई विल गिव 10 out of 10. मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज ऑल्सो गुड, आई विल गिव इट टू 10 out of 10. सो रियो हर्ब्स हिट लाइक फॉर योर दिस किट. सो दैट्स इट गाइज, हमने पूरी रियो हर्ब्स की, मैं आपको ये तो बताना भूल गई कि हमने करी है रियो हर्ब्स की एक्वा रिस्टोरेशन हाइड्रेटिंग किट, और ये हमारी फेस को पूरा हाइड्रेट कर देगा और बहुत अच्छा, मतलब यूज़ करके बहुत अच्छा लग रहा है, हाइड्रेटिंग लग रहा है. अब जैसे कि गर्मी है तो आपको अपनी स्किन की बहुत ध्यान रखना है, और ज़रूर इसके बाद आप पूरा स्किन केयर करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें. रियो हर्ब्स की सनस्क्रीन इज़ अल्टीमेट. मैंने ऑर्डर करी भी है, अभी मेरी आई नहीं है, बट मैंने उसकी भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं, तो मैं आप सबको उसकी रिव्यूज़ भी ज़रूर दूंगी. बाकी बहुत अच्छा है वैसे भी वो उसकी सनस्क्रीन, एंड इट लाइक टोनिक मिस्ट. आप ऐसे यू करो, अपना टोनिक करो, मतलब स्प्रे करो, और आप यू आर गुड टू गो. और उसकी सनस्क्रीन आप ट्रैवल फ्री भी आप अपने पर्स में रख सकते हो, और कभी भी आपको लगे कि आपको धूप लग रही है या आपकी फेस बहुत वो हो रही है कि सनस्क्रीन का थोड़ा वो नहीं, तो आप सीधा स्प्रे करो अपनी फेस पे एंड यू आर गुड टू गो. सो दैट्स इट गाइड्स, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें. इस टाइम इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा टैनिंग वाली हो सकती है. और अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखें, पानी पिए. यू शुड ड्रिंक वाटर 7 to 8 glasses इन अ डे. ओके, सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, और वी कैन से आप क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो, किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, आप कमेंट डाउन करो, मैं ज़रूर लेके आऊँगी उस पर वीडियो. थैंक यू, होप यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय गाइज.